अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दुबिये का हलवा। आइए किस तरीके से बनाया जाता है देखते हैं। सबसे पहले मैंने 3 दुबिये के छिलके निकाल कर रखी हूँ, अब हम इसे खिसेंगे। मैंने एक बाउल में पानी ली हूँ, दुबिये को हम पानी में डायरेक्ट खिसेंगे ताकि दुबिये का कलर काला ना पड़े। बिना पानी के दुबिये का कलर काला पड़ जाता है। देखिए सारे दूधे खिसकर हो चुके हैं। अभी गैस में मैंने कढ़ाई रख दी हूँ और उसमें डालूंगी 4 चम्मच घी। हाथों की मदद से अब हम दूधे को हाथ में लेकर उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह हम सारे दूधे को निचोड़कर कढ़ाई में डालेंगे। सारे दूधे कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर दूध और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दूधिये में दूध अच्छे से मिल चुका है। 1/2 कप दूध में हरा कलर ले ली हूँ, मैं इसे हलवे में डाल दूंगी। कलर डालने से हलवा बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी कलर डालें, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब मैं चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं दूध सूखने तक के इसे पकाऊँगी। दूध देखिए अच्छे से सूख चुका है और मावा नज़र आने लगा है। दूध सूखने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे 1 वाटी शक्कर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर अच्छे से मिल चुकी है, अब हम शक्कर का पानी सूखने तक के इसे पकाएंगे। शक्कर का पानी अच्छे से सूखने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मावा, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और डालूंगी इसमें थोड़े से मनुके और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह दूधे का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना दूधे का हलवा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।